अब हम लोगों ने देखा है मौजूदा सांसद बैठे हुए हैं, मेरी समस्या बहुत नकारा है। वो इसलिए नकारा नहीं है कि उनकी सांसद निधि वापस घर चली गई दिल्ली, वो नकारा इसलिए है कि उन्हें सिर्फ एक सवाल पूछ मिला और पूरी लोकसभा में एक हैंडपंप भी नहीं जो है गड़वा पाए वो कहीं। वो बहुत बेस्ट रहते हैं मिट्टी के खनन में, थाने की दलालियों में, सट्टेबाजियों में, यही उनका काम। मुझे मेरे घर के बराबर की गली चाहिए, रोड चाहिए, नाली चाहिए, हैंडपंप चाहिए, मूल सुविधाएं चाहिए। मैं वोट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कहीं बम गिराना या कोई मेरे ऊपर बम गिरा देगा। और एक जो है गठबंधन की भी प्रत्याशी है, हम लोग यहाँ पे चार चने बिठा देंगे, एक पंछी आएगा, चने छुएगा, उड़ के चला जाएगा। वही काम मेनका गांधी करके गई और वही जो है मौजूदा प्रत्याशी जो पैसे दे के गठबंधन में साथ आएंगे वो भी यही करके जाएंगे। मेरी तो उनसे यही गुजारिश है कि वो थोड़ा 10-12 साल दे दें, बरेली को समझ लें कहाँ की क्या समस्या है, कौन से गांव का क्या नाम है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कहाँ पे कौन है कैसे है। और मौजूदा सांसद तो कल जो है पुलिस वालों से ही झड़ गए, हफ्ता भर पहले सिरोली गए, किसी ने कुछ कह दिया, आप आए नहीं तो उन्होंने उनके ऊपर बंदूक तान ली। लोधी थे वो किसान, तो उन्होंने साहब वोटर के ऊपर ही बंदूक तान ली। और एक जो है गठबंधन की प्रत्याशी है वो लोगों को मंच पर खड़े होकर धमकाने शुरू कर देती है। हमारा देश है साहब गंगा जमनी तहजीब का, भाईचारे का देश है। हम लोग सब अगर एक जैसे लगने लग जाए तो शायद अगले दिन हम किसी को नहीं देखेंगे, घर में शीशा देख लेंगे, कहेंगे बाहर जाने की जरूरत नहीं। हम सब अलग अलग हैं, हमारे विचार अलग अलग हैं, हम सोचते अलग अलग तरीके से, यही हमारी पहचान है। तो कहीं मस्जिद है और कहीं है शिवालय, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले, ये इस देश का निजाम है और ये बदलेगा नहीं साहब। सिद्धराज सिंह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो जब हम लोग निर्वाचन करें तो हम लोग को फिर से आंख बंद करके एक बार ये विचार विमर्श करना अपने हृदय के अंदर कि किसने आपको क्या दिया। मैं दो दिन पहले दातागंज गया हुआ था, कल आंवला गया हुआ था, पता चला दातागंज के हर गांव में कुंवर साहब ने कम से कम एक हैंडपंप तो दिया, एक सीसी रोड तो दी है। और यहाँ पे उन्हें मलाल भी नहीं होता है कि सांसद निधि उनकी जो है वापस लौट के चली जाती, फिर भी वो आंखों में आंखें डाल के देख लेते। कमाल है साहब।